दोस्तों, स्वागत है आपका रुआन की मामा के चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों का स्पेशल और मजेदार गाजर का हलवा। तो ये गाजर का हलवा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, तो वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है लाल गाजर, तो आप देख सकते हैं सर्दियों में कितनी सुंदर गाजर आती है, लाल लाल सी। तो मैंने इनको पील करके वॉश करके रखा हुआ है और मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कट किया है। पुराना टाइम का जो तरीका था उस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया है। तो कुकर में बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर में ऐड करूंगी देसी घी, तो 2 चम्मच के बराबर मैंने देसी घी ऐड किया। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्राई करूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर रेजिन्स और जो काजू है उनको मैं यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करके मैं इसे साइड कर लेती हूँ। हमें ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वो जल सकते हैं। अब यहां पर मैं ऐड करूंगी 1 तेज पत्ता और 2 हरी इलायची, तो इनसे टेस्ट इनहेंस हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐड किए हैं। और अब साथ के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूं जो मैंने गाजर कट करके रखी थी। और गाजर को भी हम साथ में फ्राई करेंगे। और गाजर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए, और ट्रांसल्यूसेंट जब हो जाएगा तो इसमें से पानी निकलने लगेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाजर जो है बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है, ग्लॉजी सी हो गई है, इसका जो पानी है वो सब निकल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और इसमें 3 सीटी आने तक का वेट करेंगे। कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ मैश करना है मैशर की हेल्प से। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैशर की हेल्प से मैं इसे मैश कर रही हूँ। तो इस ट्रिक से हमें क्या करना पड़ा, हमें ग्रेट नहीं करना पड़ा गाजर को, और इजिली हम यहाँ पर इसे मैश कर रहे हैं और इससे हमारा इजिली गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाजर पूरी तरीके से मैश हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं ऐड करूंगी इसमें आगे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, तो दूध ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पर नहीं रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाना भी होगा, चलाते रहिए, नहीं तो क्या होता है, गाजर का हलवा जो होता है वो नीचे से जल सकता है और हमारा जो गाजर का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूध ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब हमें क्या करना होगा, इस दूध को अच्छे तरीके से सुखाना भी होगा, क्योंकि अगर हम दूध को इसमें लिक्विड तरीके से ऐसे रख देंगे तो हमारा जो गाजर का हलवा है ना टेस्टी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैं चीनी की जगह पर गुड़ ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ पर चीनी अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि चीनी खाना आप जानते होंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर गुड़ ऐड किया है, तो ये वाला जो गुड़ है ना ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के बराबर गुड़ ऐड किया है और इस गुड़ से एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो आखिर गुड़ बोलते हैं इसको। और यहाँ पर मेरे पास खोया नहीं था यानी मावा, तो मावा की जगह पर मैंने यहाँ पर दो छोटे वाले 100 ग्राम के दूध के पाउडर के पैकेट मंगवाए और मैंने उसे ऐड किया। तो मैंने ये तरीका पहली बार ट्राई किया है। मुझे ऐसा लगा कि अगर शायद दूध का पाउडर इसमें ऐड करूंगी तो मावा वाला टेस्ट आएगा, तो सीरियसली जब मैंने ये हलवा खा के देखा तो उसमें बिल्कुल ही मावा का टेस्ट आया है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्रिक बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पास मावा ना हो तो मावा की जगह पर आप दूध का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसे चलाते रहना है। तो यहाँ पर आपके आपको अपने हाथों को बिजी रखना होगा, इसे चलाते रहना है ताकि इसका जो पानी है वो जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पर मैंने एक पिंच के बराबर नमक डाला है, एक पिंच से भी कम नमक डाला है क्योंकि इससे हल्का सा टेस्ट एक बैलेंस सा हो जाता है और अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया और इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। बिल्कुल जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाजर का हलवा अच्छी तरीके से सूख चुका है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी एंड कितना यमी लग रहा है, देखने से ही कितना सुंदर कलर भी आया है इसका और यहाँ पर मावा वाला टेस्ट भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से, किस ट्रिक से गाजर का हलवा बनाया है। आप अपने घर में इस गाजर के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।